थाना जनकपुरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त उस्मान उर्फ चिंटू को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक इंद्रसेन, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मौजूद रहे। जनता रोड स्थित गांव खुर्द के अड्डे के पास तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की हुई भिड़ंत, दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत जनता रोड स्थित गांव खुर्द के अड्डे के पास तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक इतनी रफ्तार में थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। आमने सामने की हुई भिड़ंत के चलते दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एवं राहगीरों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जनपद के हिंदू योद्धा परिवार ने 33 लावारिस एवं गरीब परिवारों के मृतकों की अस्थियां गंगा में की विसर्जित। आपको बता दें, हिंदू योद्धा परिवार लगातार अपने सामाजिक कार्यों के लिए चर्चा में रहता है। पिछले 3 वर्षों से हिंदू योद्धा परिवार हर 6 माह में असमर्थ एवं गरीब परिवारों के मृतकों की अस्थियां शहर के सभी शमशान घाटों से एकत्रित करके हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करता है। इसी क्रम में हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी वी सिंह काम्बोज, हिंदू योद्धा परिवार संचालक महिला मोर्चा वर्षा पाराशर ने 33 लावारिस एवं गरीब परिवारों के मृतकों की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की हैं। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा चौथी बार अस्थियां विसर्जित की गई हैं। सहारनपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी, गर्मी से लोग हुए परेशान, 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आपको बता दें, भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हो रहे हैं। मई के महीने में गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर लोगों की हालत खराब कर दी है। अप्रैल का महीना समाप्त होने के साथ साथ मई के महीने की शुरुआत में ही भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। गर्मी ज्यादा होने के कारण उल्टी दस्त की बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करी है कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों की छुट्टी कर देनी चाहिए, जिससे गर्मी से बच्चों को राहत मिल सके। जैसे गर्मी पड़ रही है, क्या कहना है इस गर्मी के बारे में? गर्मी ने तो आज हद कर दी है, बाहर निकला भी नहीं जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। और अगर स्कूल्स खुले हैं तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगी कि स्कूल बंद कर दिए जाएं ताकि बच्चे सेफ रहें। तो आज ज्यादा गर्मी रही है? हाँ, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, जैसे आग बरस रही है इस तरह से हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर से खाटू श्याम मंदिर के वार्षिकोत्सव को लेकर निकाली गई पालकी यात्रा। आपको बता दें, राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर से खाटू श्याम मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में पालकी यात्रा निकाली गई। रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वावधान में पालकी यात्रा पुरानी चुंगी से शुरू होकर माधव नगर में विश्राम हुई। पालकी यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान स्वामी कालिंद्रानंद महाराज ने कहा, खाटू श्याम जन जन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। थाना सदर बाजार पुलिस ने चोरी के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को नवादा रोड से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने चोरी के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू को नवादा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक देवेंद्र अधाना, कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे। नाजिरपुरा निकट रेलवे की जमीन पर पड़े कूड़े में लगी अचानक आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। आपको बता दें, वार्ड 39 नाजिरपुरा निकट रेलवे की जमीन पर पड़े कूड़े में अचानक आग लग गई। आग आसपास के लोगों द्वारा गोबर से बनाए गए उपलों में फैल गई, जिसकी सूचना पूर्व पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया। जनक होटल में शैला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित, छात्र छात्राओं को वितरित किए गए डिप्लोमा दी जानकारी। आपको बता दें, जनक होटल सभागार में शैला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को डिप्लोमा वितरित किए गए। इस दौरान इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शैला इरफान ने कहा कि आज का युग कंप्यूटर का युग है,
यदि यह कहा जाए कि कंप्यूटर के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है तो यह कहना अनुचित नहीं होगा। डिजिटल इंडिया का दौर होने से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। जी, मेरा नाम सैयद शैला इरफान है। आज किस लिए कार्यक्रम रखा है? ये हमारा शैला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बच्चों का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, जिसमें जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे हैं ग्रेड में, हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है और उनको सम्मान दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे सम्मान पाकर इतना उत्साहित हों कि वो आगे बढ़ें। और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, उसका एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, यही बच्चे यहाँ से पढ़ करके उन लोगों को हेल्प करें जिनको फाइनेंशियल इशू की वजह से वो अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं कर पाते कंप्यूटर बेस पर। और क्या क्या है बच्चों को, जैसे सर्टिफिकेट देते हैं और बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी है? बच्चों के लिए बस हमारा यही मैसेज है कि आप लोगों को रुकना नहीं है, आपने सीख करके घर पे नहीं बैठना है, जॉब करना है या अपना कोई वर्क करना है, स्टडी के साथ साथ वो सर्टिफिकेट कर रहे हैं, आगे भी कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करें और आगे और बच्चों को भी इसके बारे में बताएं।